हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फनिक्स वर्ल्ड। और आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे। तो आज सबका काम ख़त्म करके अभी हम लोग पार्क में आए हैं एंड डाउनटाउन ऑफ प्लेनो टेक्सास पे आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग का आज का प्लान है कि इवनिंग थोड़ा अच्छा से हम लोग यहाँ पर स्पेंड करें एंड बाहरी डिनर वगैरह करके फिर घर जाएंगे। अभी हम लोग हैंगर पार्क में आए हैं प्लेनो का। तो ये यहाँ का हैंगर पार्क का स्पेशलिटी है, ये टेक्सास का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, जो बगल पे ही है। एंड इट्स ऑल्सो प्लेनो डाउनटाउन ऑफ टेक्सास। और ये एक रेलवे का म्यूजियम है, बगल से देख सकते हैं ट्रेन भी जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी रेलवे स्टेशन भी दिखाने का यहाँ का। तो डाउनटाउन एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है कि डाउनटाउन क्या होता है, राइट? तो यूएस में ना प्राइमरीली डाउनटाउन एक सिटी को बोला जाता है जहाँ पर कुछ फेमस होता है, मे बी फॉर कमर्शियल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल कुछ इम्पोर्टेंट होता है उसमें, उस एरिया पे सिटी का, उसी एरिया को डाउनटाउन बोला जाता है। जैसे ये यहाँ प्लेनो का डाउनटाउन एक्चुअली यूएस में टॉप 15 डाउनटाउन्स के अंदर आता है। ये एक हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स है, सो हम लोग को लगा कि ये स्ट्रीट थोड़ा घुमा, हम लोग भी घूमें और आप लोग को भी घुमाएं, तो इसीलिए आज यही स्ट्रीट पे आए हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है जो यहाँ का पार्क में रखा हुआ रहता है। इफ़ यू वांट जस्ट यू कैन टेक इट एंड यू कैन राइड मेरे तरफ। प्लेनो डाउनटाउन का रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। टेक्सास का ये माना जाता है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे ट्रेन आती है। दिखाई दे रहा कि 4 मिनट्स में एक ट्रेन आएगी। डाउनटाउन जो है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इट्स अ चार्मिंग स्मॉल टाउन जहाँ पर स्मॉल स्मॉल शॉप्स भी है, शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स। वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स ओवर हियर। तो आइसक्रीम पार्लर से लेके कॉफी शॉप तक सब कुछ आप यहाँ पर है। यहाँ पर इवेंट्स होने का एक अलग सा एरिया है जहाँ पर आप लोग बैठ के इवेंट्स भी देख सकते हैं। तो अब लोग हम लोग वॉक करते करते थक गए हैं। नाउ वी आर हंग्री, सो वी नीड्स टू गो टू द डिनर टाइम। तो आज हमारा वैलेंटाइंस डे डिनर इंडियन रेस्टोरेंट पे ही हो रहा है। ये बावर्ची रेस्टोरेंट है जो यूएस में, बावर्ची रेस्टोरेंट इज़ वेरी फेमस फॉर बिरयानी स्पेशली। तो यहाँ आके यूजुअली हम लोग बिरयानी वगैरह ही खाते हैं। और यहाँ का एक्चुअली स्पेशलिटी है बिरयानी का। तो हम लोग का एपिटाइज़र या ऐसे बाकी सब फूड बहुत अच्छा था, लेकिन द बिरयानी वाज ऑसम, इतना यम्मी था। एंड द राइस वाज सो वेल कुक्ड, इतना सॉफ्ट था, और चिकन जो था वो इतना सॉफ्ट और इतना वेल कुक्ड था, जस्ट मुंह में डाल रहे थे तो पूरा मेल्ट हो जा रहा था। इट वाज सो वेल, वेरी टेस्टी। एक्चुअली बावर्ची का बिरयानी पूरा यूएस में फेमस है एज ए इंडियन बिरयानी। सो वी थॉट कि यही सबसे अच्छा होगा वैलेंटाइंस डे का डिनर के लिए।
तो फ्रेंड्स, अभी हम आइसक्रीम पार्लर पे आ गए हैं, बास्किन रॉबिन्स जो पीछे है। तो हमें, मुझे लगता है विदाउट आइसक्रीम और वैलेंटाइंस डे इज़ नॉट कम्प्लीट। तो अभी यहाँ पर आइसक्रीम खा के उसके बाद घर जाती हूँ। तो चलिए अंदर घुसते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और मैं आज ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें घर भी जाना है एंड कल फिर से वर्किंग डे है। तो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ और हेल्दी।